सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम 12वीं क्लास का जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है ए जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के अंतिम शोर की जो जर्नी है उसके बारे में ये बताया गया है। इसमें जो तेसानी दोषी हैं, जो लेखिका हैं, वो अंटार्कटिका के जलवायु के बारे में वर्णन करती हैं और वो हमें क्या बताती हैं इसके बारे में इस समरी में हम पढ़ेंगे। किसी भाई को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। तो हम ये समरी स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर बाई तेसानी दोषी। जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ एक बहुत ही रुचिकर चैप्टर है जो कि तेसानी दोषी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस चैप्टर द राइटर टेल्स, इस चैप्टर के अंदर जो लेखिका हमें बताती हैं अबाउट द क्लाइमेट ऑफ अंटार्कटिका। इसमें लेखिका हमें जो अंटार्कटिका की जलवायु है उसके बारे में बताती हैं। इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, जो उसके खुद के जीवन के ऊपर आधार, उसके जीवन के आधार पर क्या हैं अनुभव पर या कहते हैं एक्सपीरियंस, उस पर आधारित हैं जो इसके बारे में बताती हैं। जो हमें द राइटर्स स्पेंट 2 वीक्स इन अंटार्कटिका विद द स्टूडेंट्स ऑफ हाई क्लास। जो लेखिका हैं वो 2 सप्ताह अंटार्कटिका के ऊपर क्या हैं अपने विद्यार्थियों के साथ समय बिताती हैं। द होल चैप्टर इज अबाउट द एक्सपेंडेशन स्टूडेंट ऑन आइस। ये सारा का सारा चैप्टर हैं वो स्टूडेंट ऑन आइस अभियान के बारे में हैं। दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड बाई जियोफ ग्रीन ऑफ कनाडा। यह जो प्रोग्राम शुरू हुआ था वह कनाडा के जियोफ ग्रीन से स्टार्ट हुआ था। इन द प्रोग्राम, इस कार्यक्रम में द स्टूडेंट आर टेकन टू अंटार्कटिका, जो स्टूडेंट को क्या अंटार्कटिका की ओर ले जाता है। जियोफ ग्रीन थिंक्स दैट यंग स्टूडेंट्स हैव मोर एनर्जी। जियोफ ग्रीन सोचती हैं कि दैट यंग स्टूडेंट्स है मोर एनर्जी, कि जो नौजवान जो विद्यार्थी हैं उसके अंदर बहुत ही ऊर्जा हैं, मोर टाइम समय हैं एंड विल पावर और इच्छा शक्ति हैं। द राइटर सेज दैट द क्लाइमेट्स ऑफ अंटार्कटिका इज कॉल्ड। लेखिका हमें बताती हैं कि अंटार्कटिका की जलवायु बहुत ठंडी है। इट इज़ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट प्लेस, यह बहुत ठंडा और सूखा स्थान है इन द वर्ल्ड, संसार में। मिलियन सालों के बाद इट वॉज अटैच्ड टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यह क्या है भारत और दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ था। इट्स क्लाइमेट वाज हॉट, इसकी जलवायु बहुत ही गर्म थी। नाउ इट हैज़ बिकम कोल्ड, किंतु अब क्या है वो ठंडी हो चुकी है। द इकोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज़ वेरी सिंपल। इकोलॉजी यानी जो अंटार्कटिका की जलवायु हैं वो बहुत ही साधारण हैं। इट हैज़ नो वैरायटी ऑफ एनिमल एज वेजिटेशन, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई क्या है एनिमल्स पशु व जो वेजिटेशन सब्जियों की कोई वैरायटी नहीं है। इट हैज़ ओनली सिंगल सेल प्लांट्स, यहाँ पर केवल है ओनली सिंगल सेल प्लांट्स हैं
तो यहाँ पर इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी, यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं, द प्रजेंट एंड पास्ट ऑफ द अर्थ, यदि हम वर्तमान का और भूतकाल के पृथ्वी का जो अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें क्या है, वी कैन विजिट अंटार्कटिका, तो हमें अंटार्कटिका की यात्रा कर सकते हैं। राइटर द राइटर वार्न्स अस अबाउट द डेंजर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लेखिका हमें जो खतरनाक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी हमें चेतावनी देती हैं। वी हैव पोल्यूटेड द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ, हमने क्या कर दिया है, पृथ्वी को पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसको क्या है, दूषित कर दिया है हमने। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर, जो कि क्या है, ओजोन मंडल के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। दिस पोल्यूशन हैज़ इट्स बैड इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका आल्सो, इसने क्या है, इस प्रदूषण अंटार्कटिका ने क्या है, दिस पोल्यूशन हैज़ टू बैड इम्पैक्ट ऑन अंटार्कटिका आल्सो, इस पोल्यूशन ने अंटार्कटिका को भी बहुत ही प्रभावित किया है। द राइटर कन्वेज, तो जो राइटर हैं वो हमें बताता है, दैट द स्मॉल चेंज कैन मेक बिग डिफरेंस, इन छोटा सा बदलाव बहुत बड़ी डिफरेंस विभिन्नता ला सकता है। तो ये लेसन प्लस टू का था, जिसकी समरी थी। किसी भाई को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। धन्यवाद।